दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज को अपने नाम करे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रोहित शर्मा और विराट कोहली की टीम में वापसी को देखकर अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने उगला जहर कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज खेलने वाली है, जिसके अंदर रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी हो चुकी है। और ऐसे में इन दोनों की वापसी को होता देखकर अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने गुस्से से आग बबूला होते हुए भारत को धमकाया। इस बीच मोहम्मद नबी राशिद खान से लेकर नवीन उल हक मुजीबुर रहमान ने भारतीय टीम के खिलाफ जहर उगलते हुए एक ऐसा भड़काऊ बयान दिया जिसको सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। तो आखिरकार रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी को देखकर अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने भारत को धमकाते हुए क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन भारतीय टीम का सबसे महान बल्लेबाज और कप्तान है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज 11 जनवरी से 17 जनवरी तक खेली जाने वाली है। 11 जनवरी से 17 जनवरी तक भारतीय टीम अपने घर में अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप से पहले अंतिम T20 मैच खेलेगी। इसके लिए दोनों टीमें पूरी तरीके से तैयार हैं। इस दौरान दोनों टीमों का ऐलान हो गया है, जहां पर रोहित शर्मा और विराट कोहली की 14 महीने के बाद एंट्री हो चुकी है। और ऐसे में रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी को देखकर अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने भारत के खिलाफ धमकी भरा बयान दिया, जिसमें मोहम्मद नबी ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। भारतीय टीम के अंदर रोहित शर्मा और विराट कोहली की एंट्री को देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूं। हालांकि दोनों खिलाड़ी भारतीय टीम के मुख्य खिलाड़ी हैं और ऐसे में दोनों को टीम के अंदर शामिल करने से भारतीय टीम ने अपनी टीम को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया है। लेकिन भारतीय टीम अपने आप को कितना भी मजबूत कर ले, लेकिन भारतीय टीम को यहाँ पर जीतने का मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दोनों बल्लेबाजों के आने से हमारी टीम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अब हमारे खिलाफ भारतीय टीम को बचकर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हमारी टीम के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करने लगे तो भारत को T20 सीरीज में बुरी तरीके से हार का सामना करना ही पड़ेगा। तो वहीं राशिद खान ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत दर्ज कर चुकी है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी T20 सीरीज में जीत दर्ज कर पाई, लेकिन अब भारतीय टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में जीतने को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। हालांकि भारतीय टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब पहली बार दोनों का आमना सामना होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दोनों बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली के आ जाने से भारतीय टीम मजबूत दिख रही है, लेकिन चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, भारतीय टीम हमारे खिलाफ इस बार T20 सीरीज में बुरी तरीके से हार का सामना करेगी। तो वहीं मुजीबुर रहमान ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में जीतने का मौका मिला था, लेकिन अब भारतीय टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज जीतने में मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम के पास अच्छे गेंदबाज हैं। हालांकि अफगानिस्तान की टीम और भारत की टीम देखने में काफी ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन दोनों टीमों की कंडीशन एक जैसी है और ऐसे में भारतीय टीम को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के अंदर रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों की बेसक एंट्री हो जाए, लेकिन हमारी टीम के खिलाड़ी IPL खेलते हैं और ऐसे में हमारी टीम को भारत के खिलाफ जीत दर्ज करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो वहीं नवीन उल हक ने बयान देते हुए कहा कि भारत को साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ युवा टीम के साथ T20 सीरीज जीतने का मौका मिला था, लेकिन अब भारतीय टीम अपनी मजबूती के साथ अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज खेलने के लिए आ रही है और ऐसे में भारतीय टीम हमारे खिलाफ T20 सीरीज खेलने के लिए बेशक मैदान पर उतर जाए, लेकिन भारतीय टीम को यहाँ पर जीतने का मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम का रिकॉर्ड इतना भी ज्यादा बेहतर नहीं है। हमारी टीम के खिलाड़ी IPL खेलते हैं और अफगानिस्तान की कंडीशन भी भारत के जैसी है, ऐसे में हमारे खिलाफ भारतीय टीम को जीतने का मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 सीरीज के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11 का हुआ ऐलान। जी हाँ दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाने वाली है, जिसके लिए दोनों टीमें पूरी तरीके से तैयार हैं। इस बीच T20 सीरीज के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11 का ऐलान हो गया और दोनों टीमें एक ऐसी प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने वाली हैं, जिसके चलते मैदान पर तहलका मचने वाला है। तो आखिरकार भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 सीरीज के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, ये तो हम आपको बताएंगे ही। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज बराबरी पर समाप्त होने के बाद अब भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाने वाली है। आपको बता दें, भारतीय टीम अफगानिस्तान के
खिलाफ अपने घर में 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी और पहली बार इन दो टीमों के बीच कोई टी20 सीरीज खेली जाने वाली है। इस दौरान 11 जनवरी से 17 जनवरी तक 3 मैचों की टी20 सीरीज चलेगी, जहां पहले मैच में 11 जनवरी को मोहाली तो वहीं दूसरा 14 जनवरी को इंदौर में और तीसरा अंतिम मैच 17 जनवरी को बेंगलुरु के मैदान पर खेला जाने वाला है, जिसके लिए दोनों टीमें तैयार हो चुकी हैं। लेकिन इस बीच दोनों ने टीम का ऐलान करते हुए अपनी मजबूत प्लेइंग 11 रख दी। दोस्तों, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के अगर बारे में बात करें तो सबसे पहले अफगानिस्तान की टीम की बात करें तो अफगानिस्तान की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए एक बार फिर से हजमतुल्लाह जजई उतरने वाले हैं, जो कि अपनी तूफानी बल्लेबाजी से विरोधी टीम को परेशान करते दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा इनका साथ देने के लिए रहमतुल्लाह गुरबाज को शामिल किया गया है, जो कि विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम में खेलेंगे और अपनी तूफानी बल्लेबाजी से विरोधी टीम को परेशान कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इनका साथ देने के लिए तीसरे नंबर पर कप्तान इब्राहिम को खेलने का मौका मिलेगा, जो कि टीम को स्थिति के अनुसार अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपनी कप्तानी पारी खेल सकते हैं। साथ में 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए अजमत उल्लाह ओमरजई को खेलने का मौका मिलने वाला है, जो कि अपनी तूफानी बल्लेबाजी के साथ तूफानी गेंदबाजी से परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा 5 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए करीम जन्नत खेलेंगे, जो कि अपनी तूफानी बल्लेबाजी से टीम को जीत दिला सकते हैं। इसके अलावा 6 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए नजीबुल्लाह को खेलने का मौका मिलेगा, जो कि तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इतना ही नहीं, ऑलराउंडर के रूप में मोहम्मद नबी को खेलने का मौका मिलने वाला है, जो कि अपनी तूफानी गेंदबाजी के साथ तूफानी बल्लेबाजी करते हुए विरोधी टीम को परेशान कर सकते हैं। इतना ही नहीं, स्पिन गेंदबाज के तौर पर राशिद खान को खेलने का मौका मिलेगा, जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी करते दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा स्पिन गेंदबाज के तौर पर नूर अहमद को खेलने का मौका मिलेगा, जो कि बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी से विरोधी टीम को परेशान करेंगे। इसके अलावा तेज गेंदबाज के रूप में नवीन उल हक फजल हक फारूकी खेल सकते हैं, जो कि अपनी तूफानी गेंदबाजी से सभी को परेशान कर सकते हैं। और अंतिम गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद को खेलने का मौका दिया जाएगा। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में अगर बात करें तो भारत की तरफ से ओपनिंग करने के लिए रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी मैदान पर उतर सकती है, जहां पर दोनों बल्लेबाज अपनी तूफानी बल्लेबाजी से टीम को आगे ले जाने का काम कर सकते हैं। इस दौरान रोहित शर्मा कप्तान की भूमिका निभाएंगे, साथ में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए विराट कोहली को खेलने का मौका मिलेगा, जो कि बेहतर बल्लेबाजी कर सभी को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा मध्य क्रम में विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन की वापसी हो सकती है, जो कि अपनी तूफानी बल्लेबाजी के अलावा अपनी विकेटकीपिंग की क्षमता से विरोधी टीम को परेशान करने की काबिलियत रखते हैं। इसके अलावा 5 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह को खेलने का मौका मिलेगा, जो कि टीम के लिए मुख्य खिलाड़ी की भूमिका निभाएंगे और समय आने पर टीम की जरूरत को भी पूरा करते दिखाई देंगे। इसके अलावा भारतीय टीम की तरफ से 6 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे को खेलने का मौका मिलेगा, जो कि अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ अच्छी गेंदबाजी करते दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा स्पिन गेंदबाज के तौर पर रवि बिश्नोई को खेलने का मौका मिलेगा, जो कि अपनी शानदार स्पिन गेंदबाजी से विरोधी टीम को परेशान कर सकते हैं। इतना ही नहीं, तेज गेंदबाज के रूप में अर्शदीप सिंह को खेलने का मौका मिलेगा, जो कि अपनी शानदार गेंदबाजी से विरोधी टीम को परेशान कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इनका साथ देने के लिए मुकेश कुमार को खेलने का मौका मिलेगा, जो कि भारत के लिए अच्छी गेंदबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अंतिम गेंदबाज के तौर पर दीपक चहर को खेलने का मौका मिलेगा, जो पावर प्ले के साथ मुश्किल समय पर अच्छी गेंदबाजी करते दिखाई देंगे। और ऐसे में इन्हीं 11 खिलाड़ियों के साथ अफगानिस्तान और भारत की टीम एक दूसरे के खिलाफ मैच खेलती दिखाई देंगी।